एक बात जो है ना चेंज के लिए, वो होते हैं दिमाग को तैयार करना, ठीक है। तो इसलिए कि जब तक के आप लोगों को मेंटली तैयार नहीं करेंगे, लोग बड़ा चैलेंज नहीं लेंगे। आप देखेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 ईयर्स सिर्फ लोगों के दिमाग को चेंज करने के लिए काम किया, सिर्फ ईमानियात का सबक देते रहे। ईमान लाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ और मेरे रसूल होने पे ईमान लाओ, ये उनका पैगाम था और उसी के ऊपर सारा फोकस था। यही लोगों को ईमानियात की तालीम देते थे। 13 ईयर्स तक उन्होंने गई, जब ये चीज़ उनके दिल में बैठ गई तो फिर उन्होंने माइग्रेट किया, और माइग्रेट करने के बाद फिर जो है फिजिकल एफर्ट्स भी किए, मुसल्ला एफर्ट्स भी किए और सारा कुछ किया। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि आप लोगों का माइंड तैयार करें और माइंड चेंज करें, और ख़ास तौर पर चूंकि इसमें सक्सेसेस भी होते हैं, सेटबैक्स भी होते हैं जब आप चेंज मैनेजमेंट करते हैं, खासतौर पर बड़े चेंज मैनेजमेंट जब करते हैं, तो ये इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होती है। यानी कभी आपके इमोशंस पीक पे होते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट, यू आर जॉयस, और कभी बिल्कुल डाउन हो जाते हैं कि यार ये चेंज तो लगता है कि कामयाब नहीं होगा। और इसमें बहुत सारे लोगों में जो है वो फिर उदासी भी आ जाती है, साइनिज्म भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, नेगेटिव फीलिंग्स भी आ जाती है। तो इसके लिए बार बार आपको चेंज के मैसेज को लोगों तक पहुँचाना होता है, उसकी डिफिकल्टीज को भी एक्सप्लेन करना होता है, प्रॉब्लम्स और को भी एक्सप्लेन करना होता है। रियलिस्टिक रहो, ये चीज़ें हो सकती हैं एंड वी विल ओवरकम दिस, ठीक है। फिर लोगों को आपको हेल्प करना ज़रूरी होता है कि भाई आप जो है वो लोग किस तरह से मेजर चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करेंगे। और अक्सर जो मल्टीनेशनल कंपनीज का तरीकाकार है वो रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट का मतलब ये है कि वो किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे मोबाइल काम नहीं करते हैं, जो कि एक रिमोट एरिया होता है, एक अच्छे से होटल होता है, या कैंपिंग भी कर लेते हैं बाज़ वक़्त बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। वहाँ बैठ करके वो लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। इसमें बाज़ वक़्त एक एक्सटर्नल मॉडरेटर भी उन्हें हेल्प कर रहा होता है, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होते हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान आइडेंटिफाई होता है। तो ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्ली सक्सेसेस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जो चालाक, जो एफिशिएंट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, जब अपनी टीम को फील्ड में उतारते हैं तो उनको शुरू में छोटे छोटे काम देते हैं। जब उन कामों में उनको सक्सेस होता है तो दे गेन कॉन्फिडेंस, और उनको साइलेंटली इस तरह से हेल्प आउट किया जाता है कि वो काम हो जाते हैं। उससे उनको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये काम हम कर सकते हैं, दूसरा अगला स्टेप भी कर सकते हैं। फिर उनको चैलेंजिंग टास्क दिया जाता है तो वो भी कर लेते हैं स्ट्रगल करके, क्योंकि अब उनके ईगो का मसला आ जाता है। कहते हैं पहले हमने काम किया, सक्सेसफुल हुए, ऑर्गेनाइजेशन ने हमें अप्रिशिएट किया और हमें जो है वो प्राइज भी दिया, तो अब जब हम नहीं करेंगे तो ये तो हमारे इमेज ख़राब हो जाएगा। फिर वो अपने इमेज के लिए, अपने प्रेस्टीज के लिए, अपनी पोजिशन के लिए दे वर्क हार्डर, और फिर मुश्किल चीज़ें भी वो अचीव कर लेते हैं। फिर प्रोग्रेस को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम जो है प्रोजेक्ट मैनेजर करता है और उसका बॉस करता है और चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, क्योंकि तो ख़ास तौर पे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो आमतौर पे डेली बेसिस पे होती है या वीकली बेसिस पे। तो जो उसमें एक चीज़ जो है वो है मेंटल मॉडल। व्हाट इज मेंटल मॉडल? मेंटल मॉडल का ये मतलब होता है कि देखिए, आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उतना ही ज़्यादा आप किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट वेरिएबल्स को समझ सकेंगे और उनके रिलेशनशिप को समझ सकेंगे। आपको अगर आपके सामने अगर आसमानी बिजली कड़क रही है तो आप एक आम आदमी है वो कहेगा कि जनाब ये बादल टकरा रहे हैं, इसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है और वो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन एक जो फिजिस्ट होगा, फिजिक्स का माहिर होगा, वो उसको पूरे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के साथ एक्सप्लेन कर देगा, डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशनशिप बता देगा, इस फेनोमेना का बैकग्राउंड बता देगा, इसकी हिस्ट्री बता देगा। तो उसका मेंटल मॉडल उसके ऊपर बहुत एक्सपेंडेड है। तो जितना ज़्यादा आपका एज प्रोजेक्ट मैनेजर मेंटल मॉडल कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, एनालाइज कर सकेंगे,
रिलेट कर सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे।